हेलो एंड वेलकम टू मैथोफिलिक एजुकेशन। माय नेम इज सत्यम तिवारी। आज 9 नवंबर में जो अभी सीपीओ के एग्ज़ाम हुए थे उसकी थर्ड शिफ्ट है। तो पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई सर्कुलर सिलेंडर है, उसका मुझे क्या दिया गया है, रेडियस 7 है। ठीक, और हाइट 8 है, 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दोनों सेम क्वांटिटी में। टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब आगे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr इसका सर्कल का पेरीमीटर इंटू h प्लस बेस एरिया। अब यहाँ पे दो सर्कल है, 2πr² कॉमन ले लिया, 2πr, तो आ गया क्या, h प्लस r। बस ऑप्शन 2π की वैल्यू 22/7, r 7 दिया गया था, h था मेरे पास 8, ये मेरे पास 7, 7 से 7 कट हुआ, 8 7 15, 15 2 30, 30 × 22, 0 3 6 3 6 60 cm². चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If 16y² - k इक्वल, यहाँ पे इक्वल होगा 4y + 3/2, फिर दूसरे ब्रैकेट 4y - 3/2, तो यहाँ पे 4y + 3/2 और 4y - 3/2, ये क्या बना रहा है, a + b a - b, मतलब a² - b² 16y² - 3 9 upon 2 4 इक्वल में हमें क्या है, 16y² - k। यहाँ से ये एलिमिनेट, माइनस माइनस एलिमिनेट, के की वैल्यू कितने है, 9/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर। एक मेटेलिक हेमिस्फीयर जिसका टोटल सरफेस एरिया मतलब स्फीयर क्या होता है, 4πr² इसका ये वाला पार्ट, 2πr² और बेस एरिया भी साथ में ऐड हो जाएगा, πr² विच इज 3πr², वो हमें कितना दिया गया, 3πr² मुझे दिया गया 462। अब जनरली से 7 क्या है देखते हैं, 3 × 22/7 × r² = 462, 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 4, 22, 11 × 2 = 11, 1 × 11 = 4, 27, मतलब r² = क्या आया, 7 × 7 = 7, तो r गिव्स हमें 7, r 7 पता चल गया। एंड इज मल्टेड एंड मोल्डेड इंटू अ राइट सर्कुलर कोन, एक सर्कुलर कोन है उसमें मोल्ड किया गया है, तो मतलब दोनों का क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज द सेम एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इसका जो रेडियस है जो 7 आया इसका भी 7 ही होगा। कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr² h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का होता है 4/3πr², हेमिस्फीयर का हाफ कर दोगे 2/3πr³, 4/3πr³ होता है उसमें, तो यहाँ से r² से ये कटा, ये 2 का 2 ही रहेगा, ये नहीं कट होगा, ππ कटा, मतलब क्या बचा, h = 2r, h = 2 × r कितना था, 7 × 7 = 14 cm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 5, गिवन दैट a एंड b आर सेकेंड कोऑर्डिनेट एंगल, sin a = 1/3 एंड sin b = 1/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछ रहा है, उसको पुट करेंगे, वहाँ साइन ए साइन बी की दी गई है, उसे हम कॉस ए कॉस बी निकाल लेंगे। अब जैसे sin a = 1/3, तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए, अब sin² + cos² = 1, तो वहाँ से cos² = 1 - sin² a, अब स्क्वायर चला जाए तो वहाँ पर रूट, अब ये सब आपको लर्न करने की जरूरत है, 1 - sin² a। अब ऐसे ही साइन भी में, तो बस वैल्यू पुट करिए जल्दी से, 1 - 1/3 मतलब 1/9, 9 × 1 = 8, 8/9, ऐसे ही लिखे रहने दीजिए इसको। अब साइन भी में यहाँ cos b मेरे पास कितना आएगा, 1 - 1/25 मतलब 24/25, ठीक है। cos a - b मतलब cos a cos b + साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली,
8 by 9, cos b की वैल्यू 24 अपॉन 25, प्लस साइन है 1 by 3, साइन b 1 by 5, तो यहाँ ये रूट के बाहर आएगा 3, ये 5, 5 3 15, 15 15 सेम, अब यहाँ 8, तो कितना होगा 4 2, मतलब 2 रूट 2 इंटू 6 4 24, 2 रूट 6 अपॉन यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 रूट 6 2 जा 12, मतलब 4 3 जा 12, 4 मतलब इंटू 2 बार और आगे आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 15, तो यहाँ से क्या आया 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 15, 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 15, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से cos a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है, जो cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a 1 बाय 3 था तो वहाँ से हमने cos a की वैल्यू निकाल ली, और sin b 1 बाय 5 था वहाँ से cos b की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दिया। बस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दैट्स एफ ऑफ टू नंबर 960 एंड 1020 एस, एच सी एफ मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर चलिए स्टार्ट करते हैं, 120 से आगे इसको डिवाइड करते हैं, 00 20 96 अभी है गया, 12 के टेबल में 102 नहीं आता, एलिमिनेट 6, 6 से कट हो गया और 6 ये भी कट हो गया, मतलब 60 हो सकता है। अब हाईएस्ट कौन पूछा है तो 80 देख लेते हैं, 8 से ये नहीं कट होगा, 80 से मतलब ये भी गया और ये भी गया, मतलब 60 आंसर होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हें एचसीएफ निकालना है, इसके आप फैक्टर्स भी तोड़ के उससे निकाल सकते हो या डायरेक्ट जो भी ऑप्शन देगा उससे डिवाइड कर लीजिए। चलते 7, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर की रेडियस थी वो थी 21 सेंटीमीटर ठीक, एंड इट कट इंटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ पासिंग, मतलब एक स्फीयर था जो कि 21 सेंटीमीटर का था उसको टू इक्वल हाफ्स में कट कर दिया गया है थ्रू इट्स सेंटर, व्हाट इज द 75% ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब अब ये जो कट हुआ उसकी भी रेडियस सेम ही होगी, और ये किस, ये होलो स्फीयर था, ये दो हेमिस्फीयर में टूटेगा, तो अब पूछ रहे हैं हेमिस्फीयर का 75% है, 75% मतलब 3/4, कैसे, मतलब 75% इक्वल टू क्या होता है 75 अपॉन 100, 3/4 पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर आएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम ही होगी 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 2 2 2 11, 3 6 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, 11 6 66 69, 3 2079 किसके नियरेस्ट पूछ रहा है, मतलब 2080 के नियरेस्ट है। चलते 8 नंबर पे, फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन डैश एंड डैश बिटवीन 550 एंड 700 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12 16 28 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको जो भी नंबर जिससे डिवाइड किया जाता है उसका एचसीएफ लाना है, एलसीएम लाना, सॉरी 12 16 24 का एलसीएम क्या होता है 48, मतलब 48 से कोई 48 एंड टाइम्स कोई नंबर डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 5, मतलब 48 एन प्लस 5 से डिवाइड हो। अब देखिए हमको 550 से 700 तक जाना है, अब यहाँ एन इक्वल 10 रखा तो मेरा 485 नहीं है, 11 4 जो 44 तब भी कम है, 12 4 जो 48 ऐड होगा कुछ, मतलब ये 12 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ आपको रखना नहीं है जल्दी, यहाँ बस आपको टेबल पढ़नी है उसके बाद रखना है, 13 4 जा चला जाएगा 13 से भी, 14 4 जा 56 हाँ चला जाएगा पास ही में, 15 4 जा 60 और ऐड होगा, चेक कर लेते 15 चला जाएगा, मतलब 15 से नहीं कट होगा, तो आपका 14 13 और 12 से ही नंबर ही कट होगा, तो मतलब 48 एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12, मैंने 48 कॉमन ले लिया सबसे, 12 प्लस 13 प्लस 14
प्लस फाइव, तो यहाँ इसको ऐड करिए, यहाँ इसको ऐड करिए, कितना आया 39 इंटू 48 प्लस फाइव, तो यहाँ 48 इंटू 39 प्लस फाइव, 39 को क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 1 इंटू 48 प्लस फाइव, इसको 0 0 4 8 32 3 करी 4 4 16 19 20 माइनस 48 प्लस 5, तो यहाँ से क्या आएगा 1887, ठीक है। आगे 9, इन अ टू कैंडिडेट सिलेक्शन 10% ऑफ द वोट डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट, मतलब कोई 100% वोट देना था उसमें से 10% ने अपना वोट नहीं दिया, फिर 10% ऑफ द वोट कास्ट वर फाउंड इनवैलिड, जो 90% ने दिया उसमें भी 10% इनवैलिड हो गया, मतलब 81 अब मेरे पास बचे। फिर द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 54%, मतलब 100 था कोई, 10% उसमें देने ही नहीं गए तो 90 बचे, फिर उसमें से 10% नहीं देने गए तो 81 बचे, 81 में जो 54% विनिंग कैंडिडेट्स को मिले थे तो लूजिंग कैंडिडेट्स को कितना मिला होगा 46%। फिर कहा गया है ऑफ देयर वैलिड वोट एंड 16-0 वोट मेजोरिटी, मतलब विनिंग कैंडिडेट्स माइनस लूजिंग कैंडिडेट्स जब वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कितने की मेजोरिटी आई, तो यहाँ से कितने की मेजोरिटी आई 8% ऑफ वॉट 81 का 8% जब था वो मुझे पता है कितना 16-0, ठीक। तो टोटल वोट्स बताने हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, 64.84 मुझे पता है 1620, तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी है 16-20 अपॉन 648 इंटू 1, यहाँ से पॉइंट को हटाया, डबल जीरो लगाया, 12 फिर 25,000, ठीक है 25,000 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिसमें 10% नहीं देने गए, फिर 10% भाई किसी गलती की वजह से इनवैलिड कर दिया, फिर 54% विनिंग कैंडिडेट को मिला उसका और 46% लूजिंग कैंडिडेट्स को, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो मुझे बताता है कि कितना उसकी मेजॉरिटी है, वो मुझे गिवन थी वहाँ से मैंने वैल्यू निकाली, बस आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20, जब भी आपको ये दिया गया हो तो क्या है बस एक्स प्लस वाई प्लस मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम वन टाइम प्लस कर दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस कर दें मतलब ऐड कर दें ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो कोई वैल्यूम बाई कोई डिफेक्ट तो आएगा नहीं, ये पूरा कट ही जाएगा, तो इतना और इतना मेरे पास क्या बना देगा एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और यहाँ टू टाइम्स ऑफ, तो यहाँ ये मेरे पास क्या बना देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस सबसे कॉमन ले लिया है, ठीक। और यहाँ पे था एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी थी 8 8 8 64 माइनस 3। अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू नहीं पता है, पता करने के लिए क्या करेंगे 3 ब्रैकेट में देखिए ये जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू नहीं जेड स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, इसकी वैल्यू मुझे पता ही है 20 64 में 20 गया है तो मतलब आया 44 और डिवाइड बाई ए 2 तो कितना आएगा 22 आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ 22 लिख दीजिए। आगे 8 64 था 3 टू 6 मतलब
8 to the 16, तो यहाँ माइनस के 16 वैल्यू आई है क्योंकि यहाँ से माइनस आया, माइनस 16। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अमित एंड सुमित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट था वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में अमित और सुमित ने चलना शुरू किया। कितना, इसने 6 से चला, इसने 4 से चला, अपोजिट डायरेक्शन में। वो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, मतलब 6 4 10 10 हो गए, 10 किलोमीटर पर आवर की टोटल स्पीड हो गई। हाउ फार विल दे बी फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कितनी दूर में होंगे 4 घंटे बाद, मतलब 4 आवर्स। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, 10 4 40 किलोमीटर्स। नंबर 11 स्टडी द, यहाँ पे स्टडी करो गिवन बार ग्राफ, फिर क्या दिया गया, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन द कंपनी बी इन 2019, ये कंपनी बी में 18 है। ठीक, वॉज वॉट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन द कंपनी सी इन 2021, कंपनी सी में कितने, 17 फिर 0, फिर 17.80, मतलब 105.88। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 12। द फॉलोइंग पाई चार्ट, यहाँ पाई चार्ट है जिसमें ए बी सी डी एफ जी एच फैक्ट्रीज है जो 1995 में थी। ठीक है, इन द इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी बी, नंबर्स ऑफ वर्कर जो कैटेगरी बी में है इंक्रीज बाय 10%, वो 10% बढ़ा दिए जाते हैं, एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी डी इज डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, इन 1996, मतलब 1996 में जैसे ही आएंगे तो बी 10% बढ़ेगा और डी 5% घटेगा। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कैटेगरी बी एंड डी इन 1996? ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बी वॉज 15, मतलब 15% 1995 में 15% इक्वल टू दिया गया है 1500, तो 1% क्या होगा, 100, ये 10,000। फिर अब जैसे 1996 में गए थे तो ये 5% बढ़ गया था, तो यार देखिए 1996 में हमको बताना है पहले बी जो कि था 1500, वो कितना 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 110 हो रहा है, 1650, ये मेरे पास क्या आया, बी, क्योंकि मुझसे बी और डी का टोटल पूछ रहा है। डी जो कि पहले था कितना, 25% ऑफ ये, तो मतलब 2500 इंटू 5% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, 225 2375, ये मेरे पास क्या आया, डी, इन दोनों का टोटल 5 और 7 5 6 9 10, 4025। चलते हैं नेक्स्ट में, नंबर 14। आ कंप्यूटर मार्क इतना, मार्क प्राइस इतना है, सोल्ड इतने में किया गया, तो पूछा गया द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो कितना हुआ, 0 10 में 4 6 9 में 8 1 और 7 7 में 5 2। जीरो 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 जीरो, ये जीरो कटा, 18 18 18 36 18 2 36, मतलब 12% का उसे डिस्काउंट मिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, इन द फिगर द सर्कल विथ ओ, ठीक है, हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 है, ये 10 है। ठीक, एंड द रेडियस ऑफ फिगर आर टी 16, आर टी है 16 मेरे पास, टी एस है 24। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब इसकी रेडियस बतानी होगी तुम मुझे। अब देखिए यहाँ से क्या बने, दो ट्राइंगल, ये करस्पॉन्डेंस एंगल, रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल हमेशा 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट, फिर थर्ड वाले एंगल दोनों इक्वल, मतलब दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब क्या कर सकते हो आप, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस 10, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस x, छोटे वाले ट्राइंगल की परपेंडिकुलर लेंथ 16, बड़े वाले की 64, 2 8 2 5 8 3 5 3 15, x इक्वल टू क्या है, 5 3 15। चलते हैं नेक्स्ट में, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, केयरफुली से पढ़ना भी है, 2010 से 2015 तक मेरे पास मैन्युफैक्चर दिया गया है।
विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द सेल्स ऑफ व्हीकल्स हाइएस्ट ओवर द पीरियड. सबसे बताना हाइएस्ट. चलते हैं ए का 2011 में. ए का 2011 में कितना था? 70. मैंने जीरो एलिमिनेट कर दिया सब में. बी का 2014. बी का 2014 में कितना था? 71. डी का 2014 में. डी का 2014 में 70. डी का 2012 में. डी का 2012 में 70. तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 71. बी का 2014 में सबसे ज़्यादा था. चलते हैं. द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 40. 15. अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा मतलब एलसीएम. 15, 24, 40 मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 120. 120 एन टाइम्स होगा कोई चीज़ डिवाइड. अब देखते हैं 120 ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट फोर जी 9999. 12 जा 96. 399. 12 3 जा 36. मतलब ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे? 15, 24 और 40 से. 9 में 9 0, सभी में 0 है. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 9999 39 मतलब 9960. 9960 ऐसी डिजिट होगी जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी. फिर चलते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टी बायोलॉजी इन स्कूल डी. स्कूल डी में जिन्होंने बायोलॉजी ली, यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. बायोलॉजी कितना ली? 20%. 20% ऑफ व्हाट? 800. 800 का 20% 160. चलते हैं आगे. 19. फॉर द टोटल फॉर द टोटल ऑफ दीज फोर फैमिलीज. यहाँ पे फोर फैमिलीज दी गई हैं ठीक 2002 से 2005 तक. बिटवीन द एवरेज कंजप्शन पर ईयर ऑफ वीट एंड दैट ऑफ ओट्स. वीट ओट्स का एवरेज कंजप्शन निकालना है. अब देखिए वो भी एवरेज कंजप्शन निकाल के उसका डिफरेंस करना है. या तो आप एवरेज निकाल के इन सबको ऐड करके फिर डिवाइड करिए, या तो ऐसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 162 में 131 तो यहीं लिख लेते हैं. 162 में 131 31. 196 में 80 आया. इसका सब्ट्रैक्ट किया 7 में 3 5 8 का 8. फिर 9 में क्या 8 8 का 8. वहीं सबको ऐड करिए 8 5 13 14 कैरी 8 24 24 28 मतलब 284. और टोटल नंबर कितने थे? 4 4 7 28 71%. विच इज किसके नियर जा रहा है? 70% ठीक. कहीं से प्रैक्ट गलत नहीं कर देना है. सही है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नंबर 20 नंबर 19 1 डिवाइडेड बाई एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. एक्स माइनस 2 अंदर बचा. फिर प्लस 4 का क्यूब 64 अपॉन 2 की पावर 5 मतलब 32. 32 टू जा यहाँ एक्स बचा ठीक है. अब आगे वो डिवाइड किससे? 25 से. तो मल्टीप्लाई 1 बाई 25 हो जाएगा इक्वल 1. यहाँ 2x प्लस का यहाँ एक्स एक्स कटेगा यहाँ 2x माइनस का तो बचा गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 25 उधर चल जाएगा 25 तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 5. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सॉल्व द फॉलोइंग. 10 के पावर 3 1728 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर 256. 256 में 196 कट करेंगे तो मतलब कितना आएगा? 60. 60 में 40 गया मतलब 20 ठीक. डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 के पावर 4 729 इंटू 9 ठीक है. 17280 डिवाइडेड बाय. अब देखिए यहाँ पे 0 है. 9 9 81 1 10 में 1 कट होगा 9. एक ही ऑप्शन में 9 है. यूनिट डिजिट से करिए. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में. द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 एल प्लस बी इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है उसका पैरामीटर क्या होता है? 4a ठीक. एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ है मेरी पास 10, ब्रेथ है 8. 10 प्लस 8 18. 18 टू 36. 36 इक्वल 4a इक्वल 9
स्क्वायर की आ गई 9, एरिया ऑफ स्क्वायर 9 9 81। चलते हैं नेक्स्ट में, नंबर 23, अरिस्ट वॉच इज सोल्ड, इतने में बेची गई, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, जो उसका प्रॉफिट परसेंट मतलब एक्स कोई समानता हो उसमें एक्स परसेंट ही प्रॉफिट हुआ है, एक्स प्लस 100 प्लस एक्स अपॉन 100, तो मुझे कितने में पड़ी, 1200 की। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए वरना यहीं से वैल्यू पुट करके आंसर। अब देखिए सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, 400 को भी समान था, 400% का मतलब 4% 4 16 नहीं होगा, 1200 तो नहीं जाएगा। अब 250 का कोई समान है उसमें, 250% मतलब 250 का कोई समान है उसमें, 250 मतलब 350 अपॉन 100 का प्रॉफिट तो नहीं जाएगा ज़्यादा। फिर चलते 300 में, 300 को कोई समान था उसमें, 300 मतलब 300% प्रॉफिट मतलब 400 हो जाएगा, 100 प्लस 300 400 अपॉन 100 ये बनता हुआ दिख रहा है, 3 4 12। हाँ, तो यहाँ से आप x की वैल्यू 300 भी आएगी, वरना आप इसको क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करेंगे तब भी 300 आएगा, इजी होगा। हमने यहाँ ऑप्शन से किया, बस ऑप्शन को लिया, जितना परसेंट प्रॉफिट का उतना किया, जैसे 350 में था 350 इंटू अब 350% का प्रॉफिट तो मतलब 100 प्लस 350 450 उन नहीं जाएगा। फिर हम 300 में आए, 300 में सॉल्व किया मुझे मिल गया, आप ऊपर से सॉल्व करके आइएगा जल्दी मिल जाएगा। इफ अ 9-digit नंबर 7 2x 8 4 3 1 y 4 इज डिविजिबल बाय 36 को आप 6 × 6 मत लिखेगा 4 × 9 जिसपे 4 के फैक्टर 9 के फैक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें x अपॉन y माइनस y अपॉन x की वैल्यू बतानी है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो आगे 4 से डिवाइड करते हैं, 7 2x 8 4 3 1 y 4। अब यहाँ पे y की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब हम आगे 4 की डिविजिबिलिटी यूज कर रहे हैं तो y की 0 होगी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, 0 तो भाई नेचुरल नंबर नहीं होता, मतलब 0 तो होल नंबर होता है, तो हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते। 14 1 रखेंगे नहीं होगा, वाई पे 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे हो जाएगा 24, तो वाई की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 2। अब 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी मतलब इसका सम डिवाइड हो 9 से, 7 8 9 कट गया, 8 8 1 9 कट गया, 4 4 4 8 1 9 मतलब कितना बचा, 4 प्लस x जो कि डिवाइड होगा 9 से, तो x इक्वल 5, x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई क्या मेरे पास 2, तो मुझे क्या बताना था, x अपॉन y मतलब 5 अपॉन 2 माइनस y अपॉन x 2 अपॉन 5। 25 में से जा गया 21, 2 होल 1/10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स 24, 56 एंड 96। मतलब यहाँ पे HCF निकालना है 24, 56 और 96 का, वो भी सबसे लार्जेस्ट। तो देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 24, 56 8 7 56, 96 8 8 1 8 8 2 12 8 96, यहाँ से 8 सबसे बड़ी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करती है मतलब 8। अ बोट कैन गो 40 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम गई ठीक, एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 hours and 30 minutes, और 25 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम में गई कितने आर में, 7 whole 1/2। अब 30 मिनट है, 30 मिनट अपॉन एक घंटे में कितने मिला, 60 30 upon 60 मतलब 1/2, तो ये मैंने लिख दिया ठीक। इट कैन गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितनी देर में, 10 hours में ठीक। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टीम, मतलब बोट की स्पीड बतानी ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 upon 2। अब यहाँ पे किसी भी वैल्यू सेम करिए, अब यहाँ 12 4 48 दिख रहा है मतलब यहाँ 12 1.2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए पूरे में 1.2 से, 12 4 48 48 upon d 48 upon d ये तो चला ही जाएगा, 12 5 60 6 carry 12 24 और प्लस 6 तब 30 upon यहाँ लिख देता हूँ 30 upon u इक्वल टू 1.2 मतलब 6.6 15 6 जा 9
9 ही आया अपॉन 36 अपॉन यू, नीचे तो कौन मल्टीप्लाई नहीं किया तो वैसे ही होगा। अब देखिए 6 अपॉन यू इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6, आप स्ट्रीम के 6 आई तो यहाँ रख दीजिए 6 6 36, 10 में 6 गया 4, 4 जो 4, 4 2 जो 8, डाउन स्ट्रीम की कितनी आई 12। और मुझे बोट की बतानी है, बोट क्या होता है, आप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाय 2, 12 6 18 बाय 2 मतलब 9 किलोमीटर पर 9 से जा रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, बस आपको फॉर्मूला ना चाहिए, कॉस ए साइन बी, देख रहे हैं आजकल सीपीयू कितना इजी क्वेश्चन पूछने लगा है, साइन ए कॉस बी। अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये तो पूरा कट हो जाएगा और ये बचेगा, मतलब कॉट ए और साइन बी अपॉन कॉस मतलब टेन बी, 1 प्लस कॉट ए टेन बी। चलते नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, टोटल नंबर थे हॉस्टल में 120 लैंग्वेज स्पीक करे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंग्लिश एंड भोजपुरी, इंग्लिश 15 भोजपुरी 10, 15 प्लस 10 25, तमिल 5 रेशियो 1। तो यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एम माइनस एन, ठीक, माइनस एम माइनस एन का होल क्यूब अपॉन एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एम माइनस एन दोनों से कॉमन ले लीजिए, एम माइनस एन, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ तो वही बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से वो गया तो यहाँ वन बचा माइनस एम माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम एन कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचा एम माइनस एन, ठीक, एम माइनस एन कट हुआ, यहाँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ एम माइनस एन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस का 2mn माइनस 2mn प्लस का, और नीचे क्या बचेगा mn, mn से mn कटेगा सिर्फ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ एक परसेंटेज दिया गया है 300 में 60% लेस, राजू फिर 65, श्याम मोहन ऐसे परसेंटेज में, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन बाय मोहन, मोहन से मोहन का एवरेज मार्क्स निकालना है जो परसेंटेज में, ठीक, तो ये टोटल था अभी 7 3 21, तो केमिस्ट्री में आया उसके मार्क्स 21, अब ये 3 5 15 3 7 21 22 2 5, फिर 15 8 120, अब ये 65 3 3 5 15 195 5 10, टोटल मार्क्स कितने आ गए 5 5 10, 1 कैरी, 9 10, 10 7 17, 20 22, 2 कैरी, 2 4, 6 7 8 9, 920, 920, और टोटल मार्क्स कितने 3 3 6 6 3 9, 10 11 12 50, 12 50 कितने परसेंट में, ठीक, कितने टाइम जाएगा, एक जोर ज़्यादा कर दिया, 920, ये एक ही जीरो कटेगा, ये कितना आया 920, और ये 336 639 1011 1250 into 100, ये सही, ये कटा, ठीक, 9200 125, 7 5 35 3 7 14 875, अब 920 में 875 मतलब 10 5 5 11 में 7 मतलब 4 450, अभी कितना जाएगा 3 टाइम जाएगा, 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 7, 3 मतलब 50 25 75 750, 0.6 टाइम्स,
73.6. ठीक, टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज मेजर. दो एंगल इक्वल थे, 170 है, 170 तो बचा 110. अब जो दो बचे वो कितने के होंगे, 55 और 55 के. तो वही बताने थे, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल. 32, द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई 441. कोई नंबर था एक्स और वाई जिसका एलसीएम कितना था 441 और उनका एचसीएफ कितना था 7. मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ. फर्स्ट नंबर मुझे 49 दिया गया, 49 इंटू वाई इक्वल टू 441 इंटू 7. 7 जो 49, 7 76 42, 73 21, वाई इक्वल कितना है 63. डायग्राम है तो यहाँ पे पीटी दिया गया, पीबी दिया गया, ए भी बताना है. ठीक, जब भी ऐसे दिया होता है तो क्या होता है, पीटी स्क्वायर जो भाई पूरी टेंजेंट गई इक्वल टू पीए इंटू पीबी. पीटी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू पीए नहीं पता, पीबी पता है 24 6 144. तो पीए कितनी आ गई 6, पीए 6 आ गई, तो ए भी कितनी बची 24 में 6 गया मतलब 18. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन था जिसमें 65% ऑफ द वोट कास्टेड देयर वोट्स, मतलब 100 में सिर्फ 65% लोगों ने अपना वोट दिया. ठीक, डिसाइडेड टू देयर वोट्स आउट ऑफ विच 3% वोट्स आर डिसाइडेड टू बी इनवैलिड. 3% इनवैलिड हुए मतलब बचे कितने 97 अपॉन 100. फिर सेट टू इनवैलिड अ कैंडिडेट गॉट 81965 वोट मिला विच आर 65% ऑफ द टोटल वोट. टोटल वोट मेरे पास इतना था, इसका 65%. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड, अब यहां से 13 5 65 13 6 78, 13 3 39 0, 13 5 65, 5 से कट करते हैं, 5 5 5 2 10, 5 5 2 10 30, 5 6 30, 5 5 5, फिर 13 5 65, 13 7 9 39 17, 6 13 7 91, 97 से 97 करा, 5 2 10 20, मतलब 1 इक्वल कितना आया 2000. तो 100 इक्वल कितना आएगा ये. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी 12 किलोमीटर पर आवर से गया था. ठीक, एंड रिटर्न बी टू ए 18 किलोमीटर पर आवर से आया था. हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब 2 जितने से गया 12 इंटू जितने से आया 18 अपॉन जो स्पीड दोनों की होती है 12 प्लस 18 उसका एडिशन, तब 2a प्लस बी अपॉन ए, 2ab अपॉन ए प्लस बी, 12 2 24 अपॉन 18, 8 2 10 वन कैरी 30, 3 10 3 8 24, 2 5 10, 2 9 8 9 72 अपॉन 5 5 5 5 5 5 22 5 4 20, 14 होल आ रहा है, 14 होल 2 by 5. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इस तरीके का ग्राफ दिया गया, द लेंथ ऑफ माउंटेन इन पंजाब, पंजाब में माउंटेन ब्लू वाला है कितना है 40, इस व्हाट परसेंट में, व्हाट परसेंट मोर देन द लेंथ ऑफ रिवर इन ओडिशा, ओडिशा में रिवर ग्रीन वाला है 10, कितना बड़ा है 30 बड़ा है किससे 10 से इंटू 100 मतलब 300%. चलते हैं नेक्स्ट में. आफ्टर डिडक्टिंग 20% ऑफ द सर्टेन सम, 10 में मतलब 100 में 20% डिडक्ट किया तो बचा मेरे पास कितना 80, एंड देन 10% फ्रॉम द रिमाइंडर. अब 80 से भी 10% हटाएंगे मतलब 10% कितना आएगा 8 हटाएंगे तो 72, विच इज 7200 7200, तो 1% कितना आएगा 100, ओरिजिनल कितना होगा 1 इक्वल टू 1 1 2 3 4, 4 times 0 आ जाएंगे जिसमें ये रहा. चलते हैं नेक्स्ट में. व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस विच वाइल देयर अकर्स अ लॉस ऑफ 45% ऑन अ सेलिंग प्राइस आर्टिकल एट 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस. मतलब हमने 3/8 पे सेलिंग प्राइस थी मतलब एसपी थी मेरे पास
8 मानी हमने, आगे देखते हुए उसके 3 बाई 8 पर हमें लॉस पता चलेगा जो कि सीपी से 45% लॉस, सीपी से 45%, 45% मतलब 11 बाई 20, देखिए 45% मतलब 45 अपॉन 100, 5 9 का 5 2 मतलब यहाँ सीपी था 20, 9 कम करेंगे मतलब 11 इक्वल मेरे पास दिया गया है। अब यहाँ एक नहीं कट हो रहा, तो यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 88 और ये कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो 11 इक्वल टू 33 है, तो 1 इक्वल टू 3, तो 3 टू 60 मेरे पास दिया गया है। फिर मुझे प्रॉफिट बताना है, 60 से 80 मतलब 28 बड़ा कहाँ से, 60 से इंटू 100, 6 4 24, बस एक ही ऑप्शन मिला 47। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 12 16, कोई ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं 8 12 16, एरिया बताना है 8 12 16 20 36, एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी 12 8 20 36 36 मतलब 18, एस कितना है 18, और एरिया फॉर्म में क्या होता है अंडर रूट एस, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक, एस आया 18, 18 में 8 गया 10, 18 में 12 गया 6, 18 में 16 गया 2, ठीक है 9 2 जो 18, ये 2 ये 2 मतलब रूट के बाहर आएगा 3, 2 2 मतलब 2 आएगा सिर्फ, ठीक 3 2 जो 5 2 जो 10, फिर 2 2 इंटू 2 आएगा 5 3 जो 15 अंदर ही रह जाएगा, 3 2 6 2 जो 12 रूट 15। अब आगे चलते हैं 40, दे आर 6 बॉक्स, 6 बॉक्स थे जो कि थे ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लैक एंड वाइट, ईच बास्केट हैव सम रिंग्स इन द एवरेज नंबर ऑफ रिंग्स इन ऑल द 6 बास्केट इज 68, 6 बास्केट का जो एवरेज था वो इतना था 68। आगे देखते फिर, इफ द ब्लू बॉल इज रिमूव्ड मतलब 6 में 1 गई 5 बॉल बची मेरे पास, एंड द एवरेज नंबर ऑफ रिंग्स रिमेनिंग जो थी 34 बची, तो हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, मतलब ब्लू का बताना है जो 1 इससे कम हुआ है उसके बस बताना है, 6 6 48 जा 18 22 5 4 जा 20 15 8, तो 58 उस ब्लू वॉल का मेरे पास बचा 58। चलते नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, इतनी थी पॉपुलेशन 1,25,000, इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.7% एंड द एनुअल डेथ रेट, मतलब बर्थ इतनी होती है फिर डेथ इतनी हो जाती है, तो कितना रिमेनिंग मेरे पास बचता है 10%, ठीक है, हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर, 10% का सक्सेसिव 3 मतलब हमें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाना है, 10% सक्सेसिव 33.1 ऑफ क्या 1 to 5 000, अब यहाँ से 100 होगा पॉइंट गए मतलब 30 कट हो जाएंगे, तो 125 into 331, अब ये वाला क्वेश्चन आपको बस मल्टीप्लाई कराना है आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अपील कैंडिडेट्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द एग्जाम, तो अपीयर्ड कितने, अब देखिए यहाँ भी वैसा ही है, अब हमको सब्ट्रैक्शन ही निकालना मतलब डिफरेंस निकालना, तो हम ऐसे ही डिफरेंस निकाल लें, ये डिफरेंस कितना हुआ 0, 10 में 5 5, 4 में 3 1, 2 में 1 1, ठीक है, अब इसका डिफरेंस 500, फिर इसका डिफरेंस 0 0 और वो 15 9 6 बस, अब इसका डिफरेंस 0 5 11 में 8 3 5 5 10 6 5 11 भरते 14 14 15 16 2 6 और कितने 4 कितना आएगा 4 6 24 4 5 26 50। चलते हैं नेक्स्ट में 42 नंबर, ए एंड बी कैन कंप्लीट अवर, ए कंप्लीट करता है 10 में, बी कंप्लीट करता है 15 में, दे गॉट टोटल इतने रुपीस पाते हैं, अब देखें 10 15 का एलसीएम 30 3 5 3 जा
ओ सॉरी, फाइव टू जा यहाँ पे जो रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनकी इफिशियंसी के हिसाब से होगा। 3 to 5 टोटल आया 5, वो हमें कितना देगा 12 5 डबल 12 5 0 वन इक्वल 5 2 10 5 5 10 मतलब 250 मिले। 25 3 75 इसको 750 मिले, 25 2 50 इसको 500 मिले। ठीक है, द वर्क व्हाट विल बी बी शेयर, बी का शेयर कितना है 500। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 3/5 है तो मतलब 6 6 में नहीं 2 इसका कितना वर्क करेगा 15 15 से इसको डिवाइड करते आ जाता। द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:4 यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी है। ठीक, इफ इंक्रीमेंट इसका इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम सबको 0 0 0 सबके बढ़ा लेते हैं। इसका 30 इंक्रीमेंट हुआ मतलब 130 32 26 इसका इंक्रीमेंट कितना 20% मतलब 120 120 12 36 इसका कितना इंक्रीमेंट हुआ 10% मतलब 110% 11 4 44। अब उसको काट देते 2 1 2 3 13 2 1 2 8 13 18 20 2 13 18 22। चलते हैं, टू ट्रेन ए आर बी स्टार्ट रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर 82 किलोमीटर टूवर्ड्स ईच अदर। एक अब एक दूसरे एक तरफ आ रही है मतलब ये भी इधर से इधर आ रही है, ये भी इधर से इधर आ रही है तो क्या होता है सेम अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। ठीक है, टू डिफरेंट स्टेशन दे मीट आफ्टर 1 hour 30 minutes और वो मिली कितनी 1 hour 30 minutes 30 minutes मतलब 1/2 मतलब 3/2 आवर्स में दोनों एक दूसरे को मिली तो स्पीड कितनी हो गई 162 बाई 80 प्लस 82 162 स्पीड इंटू टाइम 3/2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 8 जा 24 243 किलोमीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना 72 माइनस 42 डिवाइड करना 6 7 जा 42। ठीक है, इंटू 4 3 जा 12 फिर डिवाइड करना 4 इंटू 3 है माइनस 5 है 72 ये इससे डिवाइड हुआ मचा 1 मल्टीप्लाई 4 3 3 3 9 माइनस 5 9 5 9 5 14 मतलब 24 गया 8 6 1 गया 5 58। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट ए बी जितने वैल्यू होती है उतनी पावर मतलब ए बी अप टू जब तक जाएगा 1/n हो जाता है बस। तो यहाँ दो वैल्यू थी तो भी 0.04 × 0.36 ये बार आएगा रूट से 0.2 ये बार आएगा रूट से 0.6 6 2 12 0.12। चलते हैं, इन अ शॉप डिस्काउंट ऑफ 8% इज प्रोवाइडेड इफ द टोटल पेएबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन मतलब आगे 8% डिस्काउंट मिल रहा था अगर हमारी प्राइस 5000 से अबव चली गई तो हमें 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर इफ ही बायस 12 प्रोडक्ट्स 750 750 के उसने तो टोटल कितना 9000 को उसने प्रोडक्ट खरीदा आगे इसको 8% डिस्काउंट मिला 8% डिस्काउंट मिला मतलब 92/100 बचा। फिर 5000 से भाई अबव चला गया तो उसको 20% और मिलेगा 20% और मतलब मेरे पास कितना होगा 80/1 2 1 2 3 3 ये भी कटा 9 8 72 चलिए 9 2 18 8 8 64 सभी में 8 64 6 6 16 8 64 6 6 24 6 6 24 इसके प्राइस पे करना पड़ा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days ठीक है 10 days में करता है, बी कैन डू इट इन 15 days विद द असिस्टेंस ऑफ सी, सी कुछ वर्क कर रहा होगा कितने दिन मुझे पता नहीं, एंड दे कंप्लीटेड द वर्क इन 5 days और वो 5 days में पूरा वर्क कंप्लीट कर रहे थे। ठीक चलिए 5 days में कोई वर्क कंप्लीट कर रहे थे कितना तीनों मिलके 1/a + 1/b + 1/c
वन अपॉइंट फाइव, वन डेज का निकाल ले, वन अपॉइंट फाइव, वन अपॉइंट टेन प्लस वन अपॉइंट फिफ्टीन प्लस वन अपॉइंट सी, तो यहाँ से क्या बचा, वन अपॉइंट फाइव माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फिफ्टी, वन फिफ्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव, फाइव अपॉन वन फिफ्टी विच इज वन अपॉन थर्टी, तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, थर्टी। तो सी थर्टी दिन में पूरा कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ वन डे का वर्क निकाल लिया मैंने, वन डे वन बाय फाइव होगा इसका वर्क इक्वल टू वन अपॉइंट ए प्लस वन अपॉइंट बी प्लस वन अपॉइंट सी, वहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ट्वेंटी थ्री, तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ट्वेंटी थ्री कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, क्या होता है वन, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, ट्वेंटी थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ, बस इसमें इतना सिंपल, वन माइनस साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू, फिर वन प्लस वन बाय रूट टू, ये क्या होता है, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। अब यहाँ रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन और रूट टू माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो जाएगा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, विच इज क्या, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मतलब वन बचेगा, तो ये क्या निकलेगा, रूट टू माइनस वन प्लस, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, हमने रूट टू माइनस वन से फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन होती, ठीक है, ये वाला गया टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन, एक और ये कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू होता है, वो तो फिर होगा नहीं, ये सेक फोर्टी फाइव रूट टू होता है, रूट टू माइनस वन, तो यहाँ इसको सही कर लीजिएगा, ये पूरे में रूट टू होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, यहाँ से आपका ये हो गया। इसके नेक्स्ट में मैं 10 नवंबर में जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट उसको बताऊंगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, उसमें भी आपको बता दूंगा। थैंक यू।